के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। भारत निर्वाचन आयोग से नियुक्त प्रेक्षकों ने किया प्रत्याशियों के साथ बैठक का सकुशल संपन्न कराएं चुनाव। कोई भी समस्या हो तो सुबह 9 से 11 बजे तक मिलें सर्किट हाउस में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मतदान कर्मियों के पोस्टल बैलेट से होने वाले मतदान और मतगणना के संबंध में दी गई जानकारी। फोनी तूफान का जिले में दिखा असर, हल्की आंधी के साथ हुई 16.8 मिलीमीटर बारिश। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक जारी किया अलर्ट, कहा घबराने की नहीं है जरूरत लेकिन रहें सावधान। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री का दावा, लोकसभा चुनाव में यूपी में 74 पार और देश में 300 से ज्यादा सीटें लेकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी बीजेपी। जनता को विश्वास है कि नरेंद्र मोदी ही बनेंगे प्रधानमंत्री। गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में मतदान कार्मिकों को दिया गया प्रशिक्षण, चुनाव को सकुशल संपन्न कराने की दी गई जानकारी। महिला कांग्रेस ने बुनकर समाज को किया एकजुट, कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान के लिए किया अपील, कहा मायावती और अखिलेश प्रधानमंत्री नहीं चुने जा रहे हैं, देश में भाजपा और कांग्रेस की है लड़ाई। खोराबार क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी रवि किशन शुक्ला ने किया रोड शो और जनसंपर्क, लोगों से केंद्र में एक बार फिर मोदी सरकार बनाने की अपील। गोरखपुर न्यूज और स्वीप की है मनुहार, हम मतदान जरूर करेंगे इस बार। मतदाता जागरूकता कैंपेन में गंगोत्री देवी डिग्री कॉलेज की छात्राओं ने शपथ लेकर जनता से किया अपील, 19 मई को होने वाले मतदान के दिन घरों से निकलकर ज्यादा से ज्यादा करें वोट। जिला महिला चिकित्सालय के कनिष्ठ सहायक के आकस्मिक निधन पर आयोजित हुई शोक सभा, अस्पताल में शोक की लहर। नर्सिंग की GNM कोर्स कंप्लीट करने वाली 60 छात्राओं को कर्तव्य निष्ठा से सेवा का दिलाया गया शपथ। और फोनी चक्रवात की चेतावनी के बाद महानगर में हुई तेज बारिश, गर्मी से मिली राहत, चंद घंटों की बारिश में नाले हुए चोक।